नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपी पीआरपीबी फिर से एक बार टेंडर निकाली है आपका रेडियो ऑपरेटर जो एग्जाम है उसके लिए। ये कब तक चलता रहेगा पुलिस भर्ती बोर्ड में टेंडर पे टेंडर, टेंडर पे टेंडर, इनको कोई कंपनी ही नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें ये रेडियो संवर्ग की जो वैकेंसी है ऑलमोस्ट 1.5 साल से ऊपर हो रहा है और इसका अभी तक कोई एग्जाम का आता पता नहीं। ऐसे ही कंप्यूटर ऑपरेटर का भी जैसे सुनाई जब से दिया था तब से 2 साल होने वाला है और कुछ भी नहीं है, बस टेंडर निकला हुआ है। तो ऐसे टेंडर पे टेंडर, वो तो मूवी हो गई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला हालत हो गया। मतलब यहाँ टेंडर पे टेंडर निकल रहा है। ऐसे ही कांस्टेबल का था, उसका भी कुछ दिन टेंडर पे टेंडर निकला, फिर बाद में एकदम शांति हो गए सब। ठीक है, जब एक ही कंपनी आपको क्या होती थी अवंट आपका उस पर सिर्फ अपना एक ही कंपनी जो है उसको फॉर्म को फिल करती थी, उस टेंडर को फिल करती थी। तो इनके जो मानदंड में यह है कि अगर एक कंपनी फिल करती है तो ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए फिर से ये टेंडर निकालते हैं। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो एक बार टेंडर निकाला गया था आपका रेडियो हेड ऑपरेटर के एग्जाम कराने के लिए हाइब्रिड मोड में, वो यहां पर क्या हुआ है फिर से निकाला गया है। ये 8 जून को फिर से निकाला गया है टेंडर। ये ध्यान रखिए, बोला है उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के 120 पद, सहायक परिचालक के 1374 और प्रधान परिचालक के 936 पदों में पदों पर सीधी भर्ती 2022 से भरे जाने हेतु ओपन टेंडर के माध्यम से पुनः निविदाएं में आमंत्रित किए जाने के संबंध में। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक बच्चे ऐसे बैठे रहेंगे, कब तक वो अपने आप को मोटिवेट करते रहेंगे। सरकार को कुछ इस पर जो है कड़ा कदम उठाना चाहिए। आपको कोई ना कोई एजेंसी फ्रेम करके इसे कंडक्ट कराने के लिए बोलना चाहिए, नहीं कुछ तो एनटीए के ही दे दे, चाहे किसी टीसीएस को आप लोगों ने बैन कर रखा है, टीसीएस को यहां पर आने नहीं देते। अगर टीसीएस यूपी के हर एग्जाम को ले लेती तो एसएससी के तरह टीसीएस हर एग्जाम को 8 महीने के अंदर कंप्लीट करा देती। जब वो एसएससी ऐसे एग्जाम को 8 महीने में कंप्लीट करा सकती है, अगर टीसीएस को ये टेंडर मिल जाए तो टीसीएस को ये लोग बैन कर चुके हैं, टीसीएस को इनको लेना नहीं है। ऐसे तुच्छे मुच्छी कंपनी आएगी, फिर शोरगुल होगा, फिर इनका टेंडर चलेगा और ऐसे बच्चे तैयारी करते करते अपने जिंदगी के 3 साल निकाल देंगे। ठीक है, जो वेट कर रहे हैं नई वैकेंसी का उनका ओवर एज हो जा रहा है, क्या रिलैक्सेशन आप देंगे? इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आपके पास टाइम नहीं है और ऊपर से टेंडर पे टेंडर निकाले जा रहे हैं। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये गवर्नमेंट कुछ समझ में नहीं आता है कि इनकी क्या मंशा है, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, बच्चे भी अपने आप को अब मोटिवेट करते करते थक चुके हैं। अब मैं कितना इस पर वीडियो बनाऊं, मुझसे रोज फोन करके पूछते रहते हैं सर कब होगा एग्जाम, अब मैं अलग से एक वीडियो रोज वीडियो बनाऊं, ये उचित नहीं लगता कि मैं कब तक उनसे ये बोलता रहूं कि आपका एग्जाम 1-2 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाए, और वो वेट करते करते 2 महीना कब आने वाला है कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं। तो अब यहां पे जो टेंडर निकाला गया है, अब यहां क्या था, कारण क्या था उस टेंडर को निरस्त होने का? उक्त आरएफक्यू के सापेक्ष मात्र एक एजेंसी द्वारा अपनी निविदा प्रस्तुत की गई, मात्र एक एजेंसी के निविदा प्राप्त होने के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा पूर्व निर्गत आरएफक्यू संख्या पीआरबी इतना 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 को निरस्त कर पुनः समसंख्यक आरएफक्यू निर्गत करते हुए उक्त तीनों पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा हाइब्रिड मोड एवं भर्ती प्रक्रिया संबंधी अन्य कार्यों के संपादित हेतु ओपन टेंडर के माध्यम के समक्ष एजेंसी कार्यदायी संस्थाओं में दिनांक 30/6/2023 को समय 10 बजे से लेकर 2 बजे अपराह्न तक अपनी निविदाएं बोर्ड प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। फिर से वही बात, अब आपको 30 तारीख तक मौका मिलता है कंपनियों को कि वो जो लोग इच्छुक हैं टेंडर को फिल करें, और फिर से अगर मान लो एक ही कंपनी फिल की तो फिर से आप निकालोगे। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा, इसका जवाब बच्चे चाहते हैं। आप लोगों को लिए अब यही करना पड़ेगा बच्चे, जो लोग आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जो नहीं तैयारी कर रहे हो, जो वेट कर रहे हो नई वैकेंसिया का, इसके लिए आप सभी को एकत्र होकर एकजुट होकर कोई ना कोई आंदोलन तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे फिर बैठे रह जाओगे, ऐसे करते रह जाओगे और ये 1-2 साल 3 साल 4 साल बीत जाएंगे, ये आपका नुकसान ही तो हो रहा है। जिनको सिलेक्शन मिल जाता उनकी सैलरी आती,
उनका कम से कम मोटिवेटेड होते भाई, समय समय पर हो जाता तो बच्चा बंदा दूसरा एग्जाम देखता, एक के पीछे लगा हुआ है। तो कुछ भी यहां पर क्लियर ना होने के कारण उसके भी पैर दलदल में फंसे हुए हैं। तो मैं यही सरकार से गुजारिश करूंगा कि भाई जो भी करना है वो जल्दी करिए, अगर नहीं करती है तो बच्चों आप लोगों के पास इतना पावर है कि एक बार हिला सकते हो, एक बार आप वहां पर जो है पुलिस भर्ती बोर्ड जाकर, ऐसे नहीं दो चार लोगों से कुछ नहीं होता है, जब तक संख्या ज्यादा नहीं होती है तो सच में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो बात यही है कि आपको अपना भविष्य देखना है तो किस तरह से देखना है आप लोगों को डिसाइड करना है। ऐसे टेंडर पे टेंडर होता रहेगा या कुछ आप उसके लिए करेंगे, एक साथ होकर जब खड़ा होंगे तब जाके कुछ होगा। चलिए, बाकी जो नोटिफिकेशन जो भी अपडेट मिलता रहेगा मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। कोई दिक्कत, अगर आपको मेरी समर्थन कहीं भी चाहिए तो आप जहां कहेंगे वहां मैं खड़ा रहूंगा। जैसे ASI के भर्ती में हम लोग खड़े थे वैसे आपका भी हम साथ देंगे, हर भर्ती में साथ देंगे, जहां तक जो भी हो सकता है हमसे वो पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, कोई जानकारी प्राप्त होती है तो मैं जरूर आपके समक्ष आऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।